डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल प्लांट लेआउट वाला चैप्टर अपने स्टार्ट किया था, आज उसी का एक अहम भाग, एक अहम हेडिंग अपन लेने जा रहे हैं, जिसमें संयंत्र विन्यास के प्रकार का अध्ययन अपन करेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। कल अपन ने ये देखा था प्लांट लेआउट क्या है, अर्थात आप कारखाना कहाँ पर स्थापित करेंगे, उस प्लेस पर ही सभी उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है, बहुतायत में सब उद्योग धंधे वहीं पर स्थापित हो रहे हैं, उसके कारणों की कल अपन ने जानकारी की थी। आज अपन ये देखना चाह रहे हैं कि किसी कारखाना विशेष में जो मशीनों को आप एस्टेब्लिश करते हैं वो कितनी तरीके से एस्टेब्लिश की जा सकती है। आज तक तो अपन ने ये देखा कि सब मशीनें क्रम से एक जगह पर कार्य करती है, रॉ मटेरियल डाल दिया जाता है फर्स्ट मशीन में और लास्ट मशीन से आपका फिनिश गुड्स तैयार होकर निकल जाता है, उसको गोडाउन में भेज दिया जाता है, सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। लेकिन ये तो परंपरागत अधिकांशतः है आपका इसी तरह का प्लांट लेआउट होता है, अर्थात मशीनों का लेआउट देखने को मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में यदि अपन जाएं तो अलग अलग ढंग से लेआउट किए जाते हैं, ज़्यादातर रेखा या लाइन प्लांट लेआउट देखने को मिलता है कि फर्स्ट मशीन, फिर सेकंड मशीन, फिर थर्ड मशीन, फिर फोर्थ मशीन, और ज़्यादा मशीनों की आवश्यकता होगी इसी क्रम में आगे चलती जाएगी, जिस मशीन की जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको क्रम दिया जाएगा वही, और आपका माल आगे से आगे तैयार होकर के निकल जाएगा या फिनिश्ड गुड्स के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस स्वरूप को कहा जाता है आपके रेखा संयंत्र विन्यास या लाइन संयंत्र विन्यास, कुछ विद्वान इसको प्रोडक्ट लेआउट के नाम से भी पुकारते हैं, अर्थात आपके उत्पाद संयंत्र विन्यास। तो अभी अपन सभी प्रकार के संयंत्र विन्यासों की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले आपके इसी के लेते हैं अपन, जो आम प्रचलन में है, ज़्यादातर कारखानों में जो देखा जाता है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय संयंत्र विन्यास का स्वरूप है, प्रकार है, वो है आपके रेखा या उत्पाद विन्यास, लाइन या प्रोडक्ट लेआउट। अर्थात सभी मशीनें एक ही लाइन में रहेगी, जितने भी मशीनों का आप उपयोग करेंगे उन सभी मशीनों को एक क्रम दिया जाएगा, एक नंबर मशीन, दो नंबर मशीन, तीन नंबर मशीन, चार नंबर मशीन, और आपका यह क्रम आगे तक जारी रहेगा। तो सभी मशीनें एक लाइन के बतौर आप देख रहे हैं, तो इसलिए इसका नामकरण रेखा संयंत्र विन्यास रखा गया या लाइन लेआउट इसको कहा गया। अब प्रश्न उठता है कि लाइन लेआउट का उपयोग कौन से उद्योगों में ज़्यादा किया जाता है, तो तीन चार एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे आपके सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में हमेशा लाइन लेआउट का ही उपयोग किया जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपका तैयार होकर निकल जाएगा। इसी तरह से आपके चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री में, आयरन इंडस्ट्री, आपके कॉटन मिल्स, कॉटन मिल्स में भी यही होता है कि सभी मशीनों को क्रम दिया जाएगा और क्रमिक रूप में उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा, वो अपने उसी क्रम से अपना फंक्शन करेगी, उनका ऑपरेशन उसी क्रम से किया जाएगा और उनको एस्टेब्लिश भी उसी ढंग से किया जाता है। नंबर दो है आपके फंक्शनल लेआउट, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रियात्मक अभिन्यास, फंक्शनल लेआउट। इसके फंक्शनल लेआउट का अभिप्राय है फंक्शन के अनुसार मशीनों को लगाना, जैसा सभी मशीनें आपकी एक ही विभाग में रहेगी, जितने भी विभाग हैं, जैसे सपोज पांच विभाग है, तो एक विभाग में केवल आपकी वेल्डिंग मशीन होगी, दूसरे विभाग में आपके केवल सिलाई मशीन होगी, तीसरे विभाग में केवल पैकिंग मशीनों को लगाया जाएगा, या चौथे विभाग में केवल कंप्यूटर्स पड़े, जिसको भी कंप्यूटर का कार्य करना है वो कंप्यूटर विभाग में जाएगा। कहने का मतलब सिमिलर मशीनों को एक विभाग में रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ क्रम दिया जाएगा, एक जैसे स्वभाव वाली मशीनें एक जगह फंक्शन के अनुसार, कि वेल्डिंग का कार्य करवाना है तो अमुक डिपार्टमेंट में आप जाइए, अमुक यूनिट में आप जाइए, आपको कंप्यूटर से संबंधित कोई कार्य करवाना है, कोई टाइपिंग का कार्य करवाना है, तो आप कंप्यूटर विभाग में जाइए। तो कहने का मतलब सभी एक जैसे उपकरण या मशीन एक ही विभाग में यदि कार्य के अनुसार स्थापित किए जाते हैं तो उसको क्रियात्मक अभिन्यास के नाम से पुकारा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यह कौन सी इंडस्ट्रीज में उपयोग होता है, तो दो तीन उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे सपोज आप प्रिंटिंग प्रेस में गए, तो प्रिंटिंग प्रेस में आपके चार केबिन बने हुए हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपके प्रिंट का कार्य होगा, फिर दूसरी जगह आपके प्रूफ रीडिंग का कार्य होगा, तीसरी जगह आपके
पैकिंग का कार्य होगा, उनकी बाइंडिंग की जाएगी, चौथी जगह आपके नामकरण लिखा जाएगा और ऊपर वाला कवरेज भी तैयार किया जाएगा। तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग विभाग या अलग अलग मशीनें अलग अलग जगह रहती है। फिर से सुनिए, फंक्शनल लेआउट में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मशीनें अलग अलग जगह रहती है, अर्थात एक स्वभाव एक कार्य वाली मशीनें एक जगह पर, दूसरे स्वभाव दूसरे कार्य को पूरा करने वाली मशीनें दूसरी जगह पर, तीसरे स्वभाव तीसरे कार्य करने वाली मशीनें तीसरी जगह पर। जैसे प्रिंटिंग का कार्य ए यूनिट में, बी यूनिट में आपके प्रूफ रीडिंग का कार्य, सी यूनिट में आपके पैकिंग का कार्य, एक में कटिंग का पेपर कटिंग का कार्य, एक में रिम पड़ी है केवल, और आपके लास्ट में आपके बाइंडिंग का कार्य है। तो सब प्रिंटिंग प्रेस है लेकिन सभी कार्य अलग अलग जगह पर होता है। जॉब कार्य से संबंधित जितने भी इंडस्ट्रीज होती है वो सब आपके इसी के अनुसार अपना विन्यास का कार्य करती है। फिर नंबर तीन, स्थिर या संयंत्र विन्यास। स्थिर संयंत्र विन्यास फिक्स्ड प्लांट लेआउट। फिक्स्ड प्लांट लेआउट का मतलब क्या हुआ कि आपकी आइटम फिक्स है, जहाँ पर आपकी मशीनें फिक्स नहीं है। इनमें तो अपन ने देखा मशीनें फिक्स है, आपके रेखा संयंत्र विन्यास में मशीन को फिक्स कर दिया गया, आपके क्रियात्मक फंक्शनल में भी मशीनें फिक्स है, लेकिन यहाँ पर मशीन फिक्स नहीं है, मशीनों को गतिशील रखा जाता है और वो आइटम फिक्स है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह का विन्यास भी कभी संभव है जिसमें मशीनों को मूवेबल बनाया जाता है। जैसे वेल्डिंग करनी तो वो मशीन खुद आएगी, वेल्डिंग मशीन वाली। किसी को मान लीजिए आपके कटिंग का कार्य करना है तो कटर वाला आएगा, कलर का कार्य करना है तो कलर वाला वहां पर जाएगा। और अपने मैं चार पांच आपको एग्जांपल्स बता सकता हूं फिक्स्ड प्लांट लेआउट से संबंधित। जैसे सपोज आपके रेल के डिब्बे बनते हैं, आपके पानी का जहाज या हवाई जहाज बनता है, तो जहां पर वो हवाई जहाज बन रहा है वहीं पर सब मशीनों को लाया जाएगा बार बार क्रम से। सबसे पहले कौन सी मशीन की जरूरत है वो मशीन वहां पर आएगी, सबसे पहले आपके जिस मैकेनिक की आवश्यकता होगी वो अपने औजार उपकरण अपनी नई मशीन लाएगा, उसका काम होते वो चला जाएगा। लास्ट में जैसे पेंटिंग कलर वाला आता है वो अपनी मशीन वगैरह उपकरण औजार सब लाएगा और वो अपना काम कर देगा। तो कहने का तात्पर्य प्रोडक्ट या वस्तु स्थिर रहती है, मशीनों को मूवेबल बनाया जाता है, मशीनें आपकी गतिशील रहती है, जिस मशीन की रिक्वायरमेंट होगी वो मशीन वहां पर आकर के अपना कार्य करेगी। जैसे आपको चार पांच उदाहरण बताता हूं, आपके सपोज नहर बन रही है तो वहाँ पर सभी संबंधित मशीनों को लाया जाएगा बारी बारी से। पुल बन रहे, पुल तो स्थिर है, बांध बन रहे, बांध स्थिर है और सभी संबंधित आइटम से संबंधित उपकरण मशीन वहाँ पर लाई जाएगी। तो कहने का तात्पर्य इसमें स्थिर संयंत्र विन्यास में आपकी मशीनें गतिशील रहती है। पहले आपके उस रोड पर पुल बन रहा है वहाँ पर मशीन को ले जाया गया, फिर दूसरी रोड पर पुल बन रहा है वहाँ पर उस मशीन को ले जाया गया, तीसरी रोड पर पुल बन रहा है वहाँ पर मशीन को ले जाया गया, उसी मशीन को नहर बनाने के लिए काम में ले लिया गया, उसी मशीन को पुलिया बनाने के लिए काम में ले लिया गया। तो मशीन मूवेबल है और आपके वस्तु स्थिर है। तो इसके आपके एग्जाम्पल बता सकते हैं, खास करके रेल डिब्बे बनाने का, हवाई जहाज बनाने का, पानी के जहाज बनाने का, पुलिया बनाना, बांध, नहर, अर्थात आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उनमें भी स्थिर संयंत्र अभिन्यास का उपयोग किया जाता है। और एक बात इस अभिन्यास से रिलेटेड और बता देता हूँ कि प्राचीन समय में इसी का उपयोग होता था। अति प्राचीन काल से, जब आपके औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी उसके पहले इसी अभिन्यास का उपयोग होता था। जिसकी जरूरत होती वो मशीन मंगवा ली जाती, उसका कार्य करके उस मशीन को वापस रवाना कर दिया जाता और फिर दूसरी मशीन से संबंधित कार्य उस मशीन को बुला लिया जाता है। लेकिन आज भी उसकी उपादेयता बनी हुई है, स्थिर संयंत्र विन्यास ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में था और आज इसकी उपादेयता नहीं है, आज भी इसकी यूटिलिटी बनी हुई है, आज भी इसका बहुतायत में उपयोग होता है। जैसे चार पाँच एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताए, नहर बांध बनाना, पुलिया बनाना, या आपके पानी का जहाज बनाना, या आपके हवाई जहाज बनाना, रेल के डिब्बे बनाना, इनमें सभी में इसी का उपयोग होता है। फिर नंबर चार पे आपके मिश्रित अभिन्यास। मिश्रित अभिन्यास मिक्स्ड प्लांट लेआउट। मिक्स्ड प्लांट लेआउट का मतलब क्या हुआ कि इनमें से जो भी उपयोगी लगे दोनों को मिक्स करके काम किया जाए। जैसे कभी मशीन को फिक्स कर दिया गया
कभी मशीन को मूवेबल बना दिया गया। जैसे इसमें आपके एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में मिक्स्ड प्लांट लेआउट का उपयोग होता है। जैसे आपके रेडियो उद्योग है, रेडियो उद्योग में अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कमरों में बनाए गए फिर असेंबल एक जगह कर दिया गया। छता उद्योग है, अम्ब्रेला इंडस्ट्री है, पार्ट्स सब जगह एक अलग अलग बन रहे हैं, ताड़ी अलग जगह बन रही है, उसका बीच का हैंडल अलग जगह बन रहा है, उसके कपड़े की तैयारी अलग जगह हो रही है, आपके रिब्स अलग जगह बन रही है, और फिर असेंबल करने के लिए उनको एक कमरे में डाल दिया गया तो वो आपके मिक्स हो गया। अर्थात उसमें आप क्या देख रहे हैं, स्थिर भी है और आपके फंक्शन के अनुसार भी है। इसमें फंक्शन के अनुसार पहले काम करवा लिया गया और फिर उनको सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया गया असेंबल करने के लिए। तो जितने भी असेंबलिंग से संबंधित इंडस्ट्रीज है उन सभी में आपके मिक्स्ड प्लांट लेआउट का उपयोग किया जाता है ताकि आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम लगेगी, लेबर कॉस्ट कम से कम लगेगी और कम समय में आप आइटम बना लेंगे। तो तीन चार उदाहरण सुनिए वापस मिक्स्ड प्लांट लेआउट के। रेडियो उद्योग, रेडियो में आप देखते होंगे कम से कम 1000 पार्ट्स होते हैं, उनको सबको अलग अलग जगह बनाया जाएगा और फिर एक जगह असेंबलिंग का काम करने के लिए उनको ले आया जाएगा। फिर इसी तरह से टीवी उद्योग, टीवी में भी आपके बहुत से पार्ट्स होते हैं, वो भी मिक्स्ड लेआउट से ही बनता है। फिर आपके स्वचालित मशीनों का उपयोग जहाँ भी होता है, ऑटोमेटिक मशीनें जहाँ भी चलती है, आपके छाता उद्योग या फ्रिज रेफ्रिजरेटर उद्योग, ये 4-5 उदाहरण आप इससे संबंधित ध्यान रखेंगे। तो कहने का तात्पर्य अपन कभी इस तरह की बातों पर गौर नहीं करते कि जो दैनिक वस्तुएँ फ्रिज रेफ्रिजरेटर या जो अपने सीमेंट या लोहा जो चीनी अपन घर पे यूज करते हैं इनका प्रोडक्शन मशीनों के द्वारा किस ढंग से किया जाता है। क्या मशीनें सभी कार्य एक साथ करती है, क्या मशीनें एक क्रम में कार्य करती है, क्या मशीनों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रखा जाता है, हम कभी विचार ही नहीं करते। तो बहुत ही सामान्य सी बात है। एक बार फिर से समराइज्ड वे में अपन इन चारों को देखते हैं। प्लांट लेआउट के प्रकार या स्वरूप, कई बार परीक्षा में स्वरूप भी पूछ लिया जाता है तो आपको यह बताना होगा कि प्लांट लेआउट के स्वरूप कौन से हैं। वही चार स्वरूप आपको बताने होंगे, फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। नंबर 1 रेखा या उत्पाद अभिन्यास, अर्थात मशीनें सब एक रेखा के बतौर एक लाइन के बतौर देखने को मिलेगी, मशीनों को क्रम दे दिया जाएगा उसी क्रम में वो कार्य करेगी। तो आप देख रहे हैं कि एक रेखा बन जाती है मशीनों की, इसलिए इसका नामकरण ये हो गया। इससे संबंधित इंडस्ट्रीज सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये सब आपके कॉटन इंडस्ट्री, ये सब आपके लाइन प्लांट लेआउट के तहत कार्य करती है। क्रियात्मक अभिन्यास, क्रियात्मक अभिन्यास का मतलब फंक्शनल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, अर्थात फंक्शन के अनुसार मशीनों को लगाना। जैसा फंक्शन है उससे संबंधित मशीन अलग, दूसरा फंक्शन उससे संबंधित मशीन दूसरे डिपार्टमेंट में, तीसरा फंक्शन उससे संबंधित मशीन तीसरे डिपार्टमेंट में। और एक बात यहाँ पर और बताना चाहूँगा, क्रियात्मक अभिन्यास किससे जुड़ा हुआ है, फंक्शनल मैनेजमेंट से, और फंक्शनल मैनेजमेंट का प्रतिपादन किसने किया था, FW टेलर। अपने यहाँ पर जो प्रबंध आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर जिनको कहा जाता है FW टेलर, FW टेलर ने क्रियात्मक प्रबंध का प्रतिपादन किया और उस क्रियात्मक प्रबंधन के आधार पर ही क्रियात्मक अभिन्यास की परिकल्पना को साकार रूप दिया गया। इसमें सभी उपकरण, सभी एक जैसे मशीन, एक जैसे कार्य वाली मशीनें एक विभाग में, जैसे मैंने आपको अभी आपको प्रिंटिंग प्रेस उद्योग का उदाहरण दिया था कि प्रिंटिंग प्रेस में एक स्वभाव वाले कार्य एक जगह पर और उनसे संबंधित मशीनें भी एक जगह पर, दूसरे स्वभाव वाले कार्य और उनकी मशीनें दूसरे डिपार्टमेंट में, तीसरे डिपार्टमेंट, चौथे डिपार्टमेंट में, अलग अलग क्रिया के अनुसार, फंक्शन के अनुसार। नंबर 3 आपके है फिक्स्ड प्लांट लेआउट। इसमें क्या होगा, मशीनों को मूवेबल रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके शुरू में कटिंग की आवश्यकता है तो कटिंग वाली मशीन आएगी, फिर उसके बाद आपके वेल्डिंग वाली मशीन की आवश्यकता है, कटिंग वाली मशीन चली गई, मूवेबल है, वेल्डिंग वाली मशीन आ गई, फिर उसके बाद आपके स्क्रू कसने वाले मशीन की जरूरत है वो आएगी, उसके बाद आपके कलर की आवश्यकता है तो कलर वाली मशीन आएगी, नाम लिखने वाली मशीन है, नाम लिखने वाली मशीन आएगी। मशीनों को मूवेबल रखा जाता है, आइटम या प्रोडक्ट आपकी फिक्स रहती है। रेल का डिब्बा जैसे बनता है, रेल का इंजन आपके बनता है, हवाई जहाज बनती है, आपके पानी का जहाज बनता है, बहुत से नहर पुल बांध कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। यहाँ पर एक आपको और चीज़ बताता हूँ, इनको हम
निर्माणकारी उद्योगों के नाम से पुकारते हैं, ये सभी निर्माणकारी उद्योग है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, इनमें आपके फिक्स्ड प्लांट लेआउट का ही उपयोग किया जाता है। फिर आपके मिश्रित अभिन्यास का भी बहुत सी जगह उपयोग किया जाता है, जैसे आपने रेडियो उद्योग है, टीवी उद्योग है, या आपके रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री है, या आपके छतरी अम्ब्रेला इंडस्ट्री है, उनमें आपके मिक्स्ड अभिन्यास का उपयोग किया जाता है। मिक्स्ड अभिन्यास का अभिप्राय हुआ कि सुविधा के अनुसार आप स्थिर संयंत्र अभिन्यास का भी उपयोग कर रहे हैं और अपने क्रियात्मक अभिन्यास का उपयोग भी कर रहे हैं। जैसे आपके रेडियो के अलग अलग पार्ट्स कार्य के स्वभाव के अनुसार अलग अलग विभाग में अलग अलग मशीनों द्वारा तैयार किए गए, फिर सभी पार्ट्स को इकट्ठा करके एक विभाग में डाल दिया गया, वहाँ पर उनको असेंबल किया जाता है। तो इसका सीधा संबंध, मिश्रित अभिन्यास का सीधा संबंध असेंबलिंग कार्य से है। असेंबली से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है, असेंबली बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज है, उन सभी में आपके मिक्स्ड प्लांट लेआउट का उपयोग किया जाएगा। थैंक यू।